हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस लोकसभा की सभी 4 सीटें जीतेगी, तो साथ ही विधानसभा की जिन 6 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वो 6 सीटें भी कांग्रेस को ही मिलेगी। राजीव शुक्ला ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस को छोड़कर जो लोग बीजेपी में गए हैं उनके खिलाफ हिमाचल के लोगों में भारी गुस्सा है। हिमाचल की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो चुकी है, इसमें अहम निर्णय भी लिए गए हैं। फिलहाल इस समय हमारे साथ राजीव शुक्ला हैं जो हिमाचल के इंचार्ज हैं। सर, क्या कहेंगे कि सरकार और पार्टी के बीच तालमेल की कमी कही जा रही थी? कोई कमी नहीं है, अच्छी तरह मीटिंग हुई, पूरा जो है एकजुट और एकता का प्रदर्शन हुआ और उसके बाद जो है सबने तय किया कि पूरी शक्ति से लड़ना है और 6 विधानसभा उपचुनाव और 4 लोकसभा चुनाव जीतने, तो सारा निर्णय हुआ, सब चीज़ पे विचार विमर्श हुआ और सब मिलजुल के चुनाव को लड़ेंगे। जितनी सर लोकसभा सीटें हैं उसमें मंडी सीट को लेके प्रतिभा सिंह ने कह दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो क्या उनको मना लिया गया? जिस तरह से आज उन्होंने कहा भी कि यदि पार्टी हाईकमांड कहेगी तो मैं सोचूंगी। हाँ, वो उन्होंने स्वयं कहा कि जो पार्टी हाईकमांड जो आदेश देगी हम उसका पालन करेंगे। तो लग रहा है क्योंकि बीजेपी ने भी मंडी सीट काफ़ी हॉट बना दी है, कंगना रनावत को वहाँ पर उतार दिया गया है, तो उसका मुकाबला करने के लिए दिग्गज कांग्रेसी नेता प्रतिभा सिंह उम्मीदवार हो सकती हैं? देखिए, ये तो पार्टी हाईकमान तय करेगा, लेकिन मंडी सीट पे ऐसा नहीं है कि कहीं कोई कांग्रेस को खतरा, कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी और वहाँ भी जीतेगी। जो सर 6 इलेक्शन होने जा रहे हैं तो उसको लेके, क्योंकि आप ही के पुराने साथी थे तो उनको 6 लोगों को ही टिकट दे दिया गया है बीजेपी का, तो उनके मुकाबले में क्या कांग्रेस का वर्कर आएगा या फिर बीजेपी से? जैसे बीजेपी कांग्रेस से लेगी या तो कांग्रेस बीजेपी से लेगी? देखिए, जो 6 लोग चले गए उनको लेकर पूरे हिमाचल में बहुत माहौल उन लोगों के खिलाफ है और ये लगता है कि उन लोगों ने इस तरह से जो किया है उसको लेकर जनता में बहुत खराब उसकी भावना फैली हुई है, जिसका निश्चित रूप से कांग्रेस को लाभ मिलेगा और कांग्रेस मजबूत कैंडिडेट हर जगह देगी और 10 की 10 सीटों पर हम विजय हासिल करेंगे। तो सर, जिस तरह से अब राजनीति में ऐसा लग रहा है कि आया राम और गया राम की जो राजनीति है वो चल पड़ी है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के सांसद थे सुशील रिंकू वो बीजेपी ज्वाइन करके, इसी आप ही जान लीजिए, आपने अटल जी के ज़माने की भाजपा भी देखी होगी, अटल जी वगैरह अडवाणी जी वगैरह ये सब नहीं करते थे। आज तो ये है कि दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ करना आज की भाजपा का की आदत बन गई है, इसलिए जनता में बड़ी नाराज़गी हो रही कि आपका दिन भर काम यही है कि पैसे दे के तोड़ फोड़ करके सब करके, मतलब तो राजनीति के जो सिद्धांत हैं, वसूल हैं, मूल सबको ख़त्म करके आप जो है राजनीति में अपना कब्जा करना चाहते हैं, इसको लेके जनता में भी बहुत नाराज़गी है और भाजपा का ये तौर तरीका चलेगा नहीं। ये थे राजीव शुक्ला जो बता रहे थे कि किस तरह से हिमाचल में रणनीति भी अपनाई जाएगी और वहीं पर आया राम और गया राम की राजनीति पर उन्होंने साफ कर दिया कि इस तरह की नीतियां नहीं चल पा रही। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। इस समय हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ हैं। सुक्खू जी, क्या कहेंगे, आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक भी हुई है, बैठक में क्या निर्णय लिए गए? आज हमारे जो इंचार्ज राजीव शुक्ला जी हैं उन्होंने हिमाचल की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग ली है और किस तरह आगे विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में रणनीति बनानी है उस पर विस्तृत चर्चा की है और अपने सुझाव मांगे, वो सुझाव हमने दे दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा सीटों के ऊपर चुनाव? हाँ, पक्का पक्का। तो क्या लग रहा है अब चुनावों के वक्त बताएं?